इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है, किस सिचुएशन में इंसान को मदद की जरूरत होती है। तो देखो थर्ड इमरजेंसी कौन सी है, फ्रैक्चर्स। हमारी थर्ड इमरजेंसी है फ्रैक्चर्स। तो देखो फ्रैक्चर क्या होता है, एनी क्रैक, कोई भी दरार और ब्रेक या फिर इनी बोन, हमारी हड्डी में कोई भी दरार आ जाए या फिर कहीं से थोड़ी टूट फूट हो जाए। ब्रेक का मतलब लेंगे टूट फूट से, तो हमारी हड्डी कहीं से टूट जाए उसको बोलेंगे फ्रैक्चर। वी कैन प्रोवाइड दिस फर्स्ट एड इन केस ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के केस में हमें क्या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए वो देखेंगे। फ्रैक्चर वो हमारी हड्डी में कोई चोट लग जाए तो उसको बोलेंगे फ्रैक्चर। तो इसमें क्या क्या फर्स्ट एड काम में लेना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए वो देखो। द इंजर्ड पर्सन, इंजर्ड का मतलब जिस इंसान को चोट लगी है, शुड नॉट यूज, उसे काम में नहीं लेना चाहिए और मूव ना ही हिलाना चाहिए। द फ्रैक्चर पार्ट, जिस पार्ट में उसके फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को न तो उसे काम में लेना चाहिए और ना ही उस पार्ट को उसे हिलाना चाहिए ऑफ द बॉडी, शरीर के शरीर को उस पार्ट को ना तो हिलाए और ना ही उससे कोई काम करे। When a leg appears to be broken, अगर किसी लेग में चोट लगी है, पैर में चोट लगी हुई है, पैर की कोई हड्डी टूट गई है, टाई ए स्प्लिंट, तो उसके ऊपर स्प्लिंट बांधना चाहिए। स्प्लिंट क्या होता है, कोई मजबूत चीज होती है, स्प्लिंट कोई मजबूत चीज होती है, लकड़ी जैसी या फिर और कोई मजबूत चीज। अराउंड द फ्रैक्चर लेग, जो लेग हमारा फ्रैक्चर हुआ है उसके चारों ओर कोई मजबूत चीज बांधनी चाहिए। टेक ए मैगजीन, कोई मैगजीन ले सकते हैं, कोई छोटी बुक ले सकते हैं मैगजीन, और ए पीस ऑफ वुड या फिर लकड़ी का कोई टुकड़ा ले सकते हैं, और कार्डबोर्ड या कोई गत्ता ले सकते हैं, एंड टाई इट, और उसको बांधना है, टाई बांधना है इट अराउंड, इसके चारों ओर हमारा जो पैर है इंजर्ड उसके चारों ओर बांधना है हमें। द अफेक्टेड एरिया, जिस एरिया के हमें चोट लगी है, जिस एरिया में हमारे चोट लगी है उस एरिया पे हमें क्या बांधना है, स्प्लिंट बांधना है। स्प्लिंट कोई मोटी चीज बांधनी है उस एरिया पे। इट एक्ट्स एज ए स्प्लिंट, ये सारी चीजें, ये कार्डबोर्ड वगैरह हमने पढ़े ना, लकड़ी का टुकड़ा, ये क्या हेल्प करते हैं स्प्लिंट बनाने में। एंड प्रिवेंट, और ये रोकते हैं मूवमेंट हलचल को इन दैट एरिया, उस एरिया की हलचल को, मूवमेंट हलचल। जब चोट लगी है उस पैर को हमें हिलाना नहीं है, और मान लो किसी बच्चे के चोट लगी है वो बार बार उसको हिला रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर स्प्लिंट बांधना चाहिए, कोई मोटी चीज बांधनी चाहिए ताकि उसके पैर में हलचल ना हो, वो हिलाए नहीं। When a hand or an arm is broken, अगर हमारे हाथ में चोट लगी है या फिर बाहों पे चोट लगी है, make a sling, तो आपको एक पट्टी बनानी है विद ए क्लोथ, कपड़े से आपको कपड़ा फाड़ के क्या करना है, एक पट्टी बनानी है और बैंडेज या फिर बाजार से पट्टी लेके जानी है। टू गिव सपोर्ट, उस पार्ट को सपोर्ट देना है, उस हाथ को सपोर्ट देना है। एंड प्रिवेंट, और रोकना है मूवमेंट हलचल को, हमें उस हाथ को भी हलचल नहीं करवाना है। अब देखो फ्रैक्चर वाले पार्ट में क्या इम्पोर्टेंट है, हमें उस जहाँ पे हमारा फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे हमें उस पार्ट को नहीं हिलाना है, ज्यादातर तो कोशिश यही करनी है कि वो पार्ट हिले नहीं। नेक्स्ट देखो, टेक द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। जिसको चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, उस पेशेंट को हमें इमीडिएटली तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है फर्दर ट्रीटमेंट, आगे इलाज के लिए, आगे का जो इलाज होगा उसका ट्रीटमेंट होगा उसके लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है हमारे शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तब हमें क्या करना चाहिए। डिहाइड्रेशन ऑक्यूर्स व्हेन वी लॉस मोर फ्लूइड फ्रॉम आवर बॉडी देन वी टेक इन। देखो क्या मतलब है डिहाइड्रेशन ऑक्यूर्स, डिहाइड्रेशन होता है व्हेन वी लॉस, जब हमें कमी हो जाती है, लॉस कमी हो जाती है मोर फ्लूइड, ज़्यादा लिक्विड की। फ्लूइड का मतलब एक तरह से लिक्विड है हमारी बॉडी का, लिक्विड हमारी बॉडी के फ्लूइड में अगर कमी हो जाती है, लिक्विड कम हो जाता है पानी,
हमारे शरीर से पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। देन फिर टैकिंग, तो हमें क्या करना चाहिए, टैकिंग मतलब पानी लेना चाहिए, हमारी बॉडी को पानी लेना चाहिए। इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में वी शुड, हमें करना चाहिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक पीना चाहिए प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत अधिक मात्रा में पानी, प्लेंटी मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अब ऑब्वियसली पानी की कमी हुई है हमारी बॉडी में तो पानी तो पीना ही चाहिए। और देखो मेक ए सॉल्यूशन, आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, घोल बनाना है, सॉल्यूशन घोल, पानी और दो तीन चीज़ें मिला के घोल बनाना है, उसको घोल बोलते हैं। आपको घोल बनाना है एट होम, घर पर बनाना है, बाई मिक्सिंग, मिक्स करके सॉल्ट एंड शुगर, नमक और चीनी मिक्स करके आपको क्या बनाना है, पानी के साथ एक सॉल्यूशन बनाना है। इन वाटर, देखो पानी के साथ बनाना है एंड ड्रिंक, और उसको पीना है। क्या दे रखा है, पानी में चीनी और वो साथ मिक्स करके आपको एक सॉल्यूशन बनाना है। ये सॉल्यूशन हम बनाते हैं ना पानी, चीनी और ये नमक का, ये क्या होता है, ORS, इसको ORS भी बोलते हैं, ORS। तो आपको ORS सॉल्यूशन घर पे बनाना है। शिफ्ट द पेशेंट, पेशेंट को शिफ्ट करना है टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इमीडिएटली, तुरंत, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर और भी इमरजेंसी हो, उल्टी दस्त हो रही हो साथ में, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इमरजेंसी क्या है, एनिमल बाइट्स, एनिमल को जानवर आपको काट ले तो आप क्या करोगे, जानवर के काटने का क्या फर्स्ट एड होता है वो देखो। इन केस ऑफ एनिमल बाइट्स, जानवर के काटने से बाद, वॉश द बिटन पार्ट, काटे हुए पार्ट को हमें क्या करना है, धोना है, वॉश, धोना उस पार्ट को विथ एन एंटीसेप्टिक सॉप, कोई एंटीसेप्टिक साबुन लेके, एंटीसेप्टिक का मतलब जो कीटाणु को मारने वाला साबुन है, वो साबुन लेके आपको उस पार्ट को वॉश करना है एंड वाटर और पानी से। तो वॉश हमें द जर्म्स, कि वो जो जर्म्स है कीटाणु है वो भूल जाए, कीटाणु घर के बाहर आ जाए, इसलिए हमें उस पर एंटीसेप्टिक सॉप लगाना चाहिए और पानी से धोना चाहिए। सेकेंड, अप्लाई एयर